अब बात करते हैं यूपी में गृह मंत्री अमित शाह के आज के दौरे की। आज गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ आ रहे हैं, यहां पर वो मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा अमित शाह भाजपा के प्रचार वाहनों को भी रवाना करेंगे। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे। आप यहां पर आपको यह भी बताएं कि अमित शाह पार्टी की कई संगठनात्मक बैठकों में भी शामिल होंगे और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, साथ ही जीत का मंत्र भी देंगे। हमारे दो सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं और इसके अलावा अनुभव शुक्ला भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, इस दौरे से जुड़ा अपडेट आपके पास क्या है? राजेन जी, यहां पर बनारस में जिस तरह की तैयारी है, शक्ति केंद्रों पर लोगों को बुलाया गया है और इसके साथ ही जो ऑनलाइन प्रसारण है उसको देखने की बात है। बनारस में जिस तरह से सदस्यता अभियान की शुरुआत आज जिस तरह से होगी, जिस तरह से ये बीजेपी के कार्यकर्ता जुड़ेंगे, तो आगे की पूरी रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। आप लोग पहले अमित शाह को सुनेंगे, उनकी बातों को सुनने के साथ ही आगे लोगों तक कैसे अपने पार्टी के जो संदेश है उन तक पहुंचाना है, इन सारी रणनीति पर आज चर्चा होगी। तो बीजेपी के कार्यकर्ता और संगठन में इस सदस्यता अभियान को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। जो शक्ति केंद्र है वहां पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। राजेन जी, ठीक है, अनुभव के पास चलते हैं। अनुभव, चूंकि लखनऊ पहुंच रहे हैं, आप लखनऊ में मौजूद हैं और लगातार हम दर्शकों को बता भी रहे हैं कि अमित शाह के आने की वजह से क्या क्या तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने की हुई हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या उनका कार्यक्रम वैसे ही है जैसा कि अभी तक सामने आया है, उसमें कोई फेरबदल है कि नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि कौन उनको रिसीव करने जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको वो भव्य मंच दिखाते हैं जो तैयार किया गया है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अगर हम कहें वो आज यहां से, और सबसे बड़ा जो विनिंग फैक्टर जिसे बीजेपी मान रही है, उस अभियान की शुरुआत करेंगे। ये भव्य मंच तैयार किया गया, आप देखिए कुर्सियां लगी हुई हैं, तकरीबन 12 के आसपास ये कुर्सियां सामने को लगी हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, यूपी के चुनाव प्रभारी रहेंगे, यूपी प्रभारी रहेंगे, सरकार के मंत्रियों को भी बुलाया गया है, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि मूल रूप से ये जो कार्यक्रम है वो अवध क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे और जो शक्ति केंद्र है, 5,000 से ज़्यादा जो शक्ति केंद्र अवध क्षेत्र में, 82 विधानसभाएं आती हैं, वो सभी शक्ति केंद्रों के जो प्रभारी हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। कुल 14,000 तो अवध क्षेत्र से आने वाले पार्टी के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और अगर हम आपको ये पूरा पंडाल दिखाएं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में आज यहां लोगों को बुलाया गया है। 60,000 लोग मौजूद रहेंगे इस भव्य पंडाल में, और वो जब अमित शाह मंच से कहेंगे कि सदस्यता के लिए ये नंबर डायल करें, तो वो सभी लोग अपने मोबाइल को उठाएंगे एक साथ और सभी लोग एक साथ उस नंबर को, जो नंबर पार्टी ने जारी किया है, उसे डायल करेंगे, मिस कॉल मारेंगे और वो आज बीजेपी के सदस्य बन जाएंगे। देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं ये बड़ी रणनीति क्यों है, विनिंग फैक्टर क्यों है, इसलिए है कि 2017 में 2.5 करोड़ वोट अगर हम कहें तो सदस्य थे बीजेपी के, जो सक्रिय सदस्य कहलाते हैं। जी जी, प्राथमिक सदस्य 2.5 करोड़ के आसपास थे, लेकिन वोट कितना मिला, वोट 3 करोड़ से ज्यादा मिल गया।